हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस, जो कि क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड अबाउट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड अबाउट शैडोज। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे अबाउट पिन होल कैमरा। तो हम सबको पता है कैमरा में क्या होता है, एक लेंस होता है। बट पिन होल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जिसमें कोई लेंस नहीं होता। और हम अगर आपसे बात करें, उसका नाम पिन होल क्यों है, क्योंकि उसका जो होल जहाँ से कि इमेज फॉर्म होती है, वो जो होल है वो एकदम पिन के साइज़ का है। तो एक नेचुरल पिन होल कैमरा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है कि जब सपोज़ मैं एक किसी भी फॉरेस्ट या किसी भी ऐसे एरिया जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ हैं, वहाँ से वॉक कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा दिखता है कि ट्रीज़ के बीच में जो है नीचे ग्राउंड पे देर आर स्मॉल स्मॉल शैडोज़, स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स, और वो हमें दिखाई देते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो है, इसी को हम एक पिन होल कैमरा बोलते हैं। यानी कि जो लीव्स हैं उनके बीच में जो स्मॉल स्मॉल स्पेसेस हैं, उसी को हम बोल रहे हैं पिन होल्स। और नीचे ग्राउंड पे जो इमेजेस बन रही हैं, वो पिन होल कैमरा से इमेजेस बन रही हैं। तो ये आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि ये जो स्मॉल स्मॉल शैडोज होती है, स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स होते हैं, दे आर नथिंग बट द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा। एंड वेयर इज द कैमरा? बिटवीन द स्मॉल स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द ट्रीज। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये ट्री है। अब यहाँ ट्री में यहाँ पे छोटी छोटी स्पेसेस है, यहाँ से सनलाइट एंटर करेगी, और जब ये ग्राउंड पे इमेज फॉर्म करेगी, वो स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स ही क्या होंगे, इमेजेस। और ये जो स्मॉल सी स्पेस है जिसके थ्रू वो लाइट आ रही है और इमेज फॉर्म करी है, दिस इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पिन होल कैमरा। तो ऐसे आप यहाँ पर बहुत सारे पिन होल कैमराज देख सकते हैं। तो ये एक नेचर का एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको पिन होल कैमरा दिख रहा है। So there is an interesting pinhole camera in the nature. When we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. तो ये जो small patches of sunlight है, they are nothing but the images formed by the pinhole camera. These circular images are pinhole images of the sun. तो ये sun की ही pinhole images हमारे को दिखाई देती हैं. The gaps between the leaves act as pinholes. तो ये जो gaps होते हैं leaves के बीच में, यही act करते हैं pinholes की तरह, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, gaps between the leaves act as a pinhole. तो ऐसे बहुत सारी images आपको दिखाई देती है, और ये circular क्यों होती है, क्योंकि ये sun की images है, that is why. So now लेट्स प्रोसीड टू एन एक्टिविटी जिसमें कि हम एक पिन होल कैमरा एक्चुअल में बनाएंगे। ये जो हमने पिन होल कैमरा देखा था, ये तो नेचर का था, अब हम एक्चुअल में पिन होल कैमरा बनाएंगे। और इसे कैसे बना सकते हैं, वील स्टडी। तो जैसे कि आप एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसका एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जब ये कार्डबोर्ड का बॉक्स बन जाएगा, तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक साइड, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ पे इन्वर्टेड ट्री की आपको इमेज दिख रही है, तो आप यहाँ पर जो साइड है उसमें कार्डबोर्ड हटा देंगे। और कार्डबोर्ड हटा देने के बाद आप उस पर ट्रेसिंग पेपर लगाएंगे। और ट्रेसिंग पेपर लगाया आपने जिस भी फेस पे, उस फेस के ऑपोजिट फेस पे आप एक स्मॉल होल कर देंगे यूजिंग अ पिन। तो उसी वही जो स्मॉल होल है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यही है हमारा पिन होल कैमरा। और यही जो है इमेज फॉर्म करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये एक्टिविटी में हमने किया क्या क्या है, और ये जो इमेज बनी है ये कैसी बनी है, क्या हुआ है, या पिन होल कैमरा एक्चुअली में होता क्या है। सो कट आउट वन एंड ऑफ अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड फिक्स अ ट्रेसिंग पेपर ओवर द एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपने ट्रेसिंग पेपर फिक्स किया और उसके ऑपोजिट एंड पे आपने एक होल किया। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द ऑपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स। तो इसके ऑपोजिट यानी इसके सामने वाला जो फेस था, इसमें हमने एक होल बना दिया। पॉइंट द होल टूवर्ड्स ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक अ कैंडल फ्लेम और अ ट्री। तो आपने जो है ये जो होल है, इसको एक किसी ट्री के सामने रख दिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये ट्री जो है, इसकी इमेज इस पिन होल कैमरा के थ्रू यहाँ बन गई, जो आपका ट्रेसिंग पेपर है उसके ऊपर। यू विल सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन। तो ट्रेसिंग पेपर जो आपकी स्क्रीन है, उस पर आपको इन्वर्टेड इमेज, जो भी आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इन्वर्टेड यानी उल्टी की हुई इमेज यहाँ पर मिल जाएगी। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो ये ऐसा इन्वर्ट होकर के वहाँ सामने आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि पिनहोल कैमरा से जो इमेज आई है वो हमेशा कैसी आती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्री क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। उसके बाद जो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज एकदम छोटी सी आएगी, राइट। ये बड़ा सा ट्री है बट ये जो स्क्रीन है जिस पे इमेज बनी है वो इमेज जो है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। उसके बाद ये जो ट्री है ये आपका एक कलर्ड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो इमेज आएगी वो भी कलर्ड आएगी। यही शैडो और हमारी इमेज में डिफरेंस है कि शैडो हमेशा ब्लैक होती है, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, बट इमेजेस जो हैं वो क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं। और ये बहुत ही स्मॉल स्पेस, स्मॉल होल है जिसके थ्रू लाइट पास कर रही है। तो अगर ये बहुत ही स्मॉल स्पेस है जिसके थ्रू लाइट पास कर रही है तो ये शैडो क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। और इसके साथ साथ ये इन्वर्टेड क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो जो लाइट की रे यहाँ से ट्रैवल करेगी वो इस होल से ट्रैवल करते हुए यहाँ नीचे आएगी, और जो लाइट की रे ये बॉटम ऑफ द ट्री से ट्रैवल करेगी वो इस होल से ट्रैवल करते हुए ऊपर आएगी। तो अगर ये वाले पार्ट से जो लाइट की रे जा रही है वो ऊपर की तरफ है तो ये वाला पार्ट आपको ऊपर दिखेगा, और यहाँ से जो लाइट रे आ रही है वो इस टॉप वाले पार्ट ऑफ द ट्री से आ रही है तो ये वाला पार्ट आपको नीचे दिखेगा। तभी ये इमेज क्या हो गई है, अपसाइड डाउन, यानी कि इनवर्ट। तो आई होप आपको पिन होल कैमरा का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं एक और बार आपको रिवाइज कराती हूँ कि पिन होल कैमरा से जो इमेज बनेगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। सो द इमेजेस आर इन्वर्टेड अपसाइड डाउन, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इमेजेस कैसी होंगी, अपसाइड डाउन होंगी। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस स्लाइड में देखा, द रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रॉस द पिन होल एंड कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। द इमेजेस आर नॉट टू ब्राइट बिकॉज वेरी लिटिल लाइट एंटर्स थ्रू द स्मॉल होल, तो बहुत ही कम लाइट एंटर होगी तो इमेज जो आपकी फॉर्म होगी बटर पेपर या फिर आपकी जो पेपर जो आपने लगाया था ट्रेसिंग पेपर, उसकी स्क्रीन पे जो इमेज आएगी वो बहुत ही हल्की आएगी, फेडेड टाइप ऑफ। क्यों? क्योंकि लाइट जो पिन होल के थ्रू पास हो सकती है वो बहुत कम होगी। द इमेजेस आर कलर्ड, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड अ शैडो, तो इमेजेस कलर्ड होती है और शैडो ब्लैक होती है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ पिन होल कैमरा इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। थैंक यू।